नजरात आप सुन रहे हैं रजवी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हुजूर अल्लामा और मौलाना अलहाज अशा हुसैन अहमद रजवी रहमतुल्लाहि अलैह। यहाँ YouTube पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ्फुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अकायद अफकार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुलियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान अपना अकीदा खराब कर रहे हैं वो उनको पहचान कर मसलके आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस जलसा कोई प्रोग्राम रजवी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रजवी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله نحمده نصلي على حبيب الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर दर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मौजूद वल करम वाले ही वबारिक वसल्लम। उस्ताद ज़मन हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सैर गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, हश्र में एक एक का मुँह तकते फिरते हैं अदू, क्या फतों में फंस गए इनका सहारा छोड़ कर, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, अजी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर। और हमारे पीर मुफ्ती आजम मुर्शिद आजम शबीह गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीद इश्क की लाई दवा मदीने से, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, बे मांगे देने वाले की नेमत में गर्क हैं, मांगे से जो मिले किसे फहम इस कदर की है, बद हैं मगर उन्हीं के हैं बाकी नहीं हैं हम, नजदी न आए उसको ये मंजिल खतर की है, तुफ नजदीयत न कुफर न इस्लाम सब पे हर्फ, ये काफरी इधर की न उधर की अधर की है।
रात का 2:30 बज रहा है मेरे भाई, ये तकरीर का वक्त नहीं है, आपके जाने का वक्त है, मगर खुशी हो रही है कि आप बैठे हैं। तो हमारी गुजारिश है कि आपने जब इतना टाइम दिया है शाम से, तो 40-50 मिनट का टाइम और कुर्बान कर दो इंशाअल्लाह ताला। ऐसी चंद हदीसें सुना दूंगा कि जितने गुनहगार बैठे हो इंशाअल्लाह उठते उठते सब पाक हो जाओ, आज जितने बीमार आए हो घर जाते जाते सब तंदुरुस्त हो जाओगे। और अगर आपने माहौल बना दिया तो एक ऐसी हदीस सुना दूंगा कि जिंदा रहोगे तो मचलते रहोगे, कब्र में उठोगे तो मुस्कुराते रहोगे इंशाअल्लाह ताला। बस मगर तकरीर शुरू करने से पहले एक हदीस सुनिए, फिर इंशाअल्लाह जब उसके बाद मैं तकरीर शुरू करूंगा तो आपको लगेगा तो काहे देवना है का दावना दावना। हाँ मौजागी साहब, जब तकरीर शुरू करेगा तो लगेगा दावना में नहीं हूँ, वाया बरेली गुम्बदे खजरा के साये में आ गया। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हबीबुल्ला भाई जैसी आवाज तो नहीं है और न हसन रजा थर जैसी आवाज है, मगर तहत में दो शेर मैं भी सुना दूं आपको, सुना दूं, बहुत उम्दा शेर है, सुनिएगा तो मदीना पहुंच जाइएगा, तो जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा जब न सुन। शायर कहता या रसूल अल्लाह, गुम्बदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कजा मांगी है। पहले एक हदीस एहयाउल उलूम जिल्द अव्वल बाब फजीलत तस्बीह 74-5। قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة। हुजूर फरमाते जब कोई सुन्नी जन्नती मुसलमान सुबहान अल्लाह कहता है तो उस मुसलमान के नाम अल्लाह की तरफ से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगाया जाता है। तो घंटे भर में आप कितना दरख्त लगा सकते हैं आप जानिए। मेरा काम हदीस सुनाना है, आपका नाम अब दरख्त लगाना है कि नहीं भाई? इतने दरख्त लगा लो कि घर जाते जाते मस्त हो जाओ। सारा मजमा एक बार कह दो मोहब्बत से। बस एक हदीस और उसके बाद बगैर किसी तमहीद की आयत की रोशनी में तकरीर शुरू इंशाअल्लाह ताला। सुनिए तवज्जो है, ऐसे बैठिए ना जहां मेरे तरफ। हाँ हाँ ऐसे माशाल्लाह, क्या कहना हसन रजा अतहर बहुत उम्दा नकावत करते हैं, बहुत उम्दा अशार सुनाते हैं। कुछ शेर तो अमाम के सर के ऊपर से गुजर जाता है, हर शेर तो आप समझते नहीं है, फिर भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए आपको। बहुत उम्दा कलाम छोड़ा सुनाते हैं। सुनिए हदीस अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल बाब ज़ियारतुल क़ुबूर हदीस नंबर 179। قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام। नबी फरमाते कहीं से कोई सलाम करे, कहीं से, बिहार से, नेपाल से, पाकिस्तान से, कहीं से, जब कोई बंदा कहता है या नबी सलाम अलैका, बोलो या नबी, जो न बोलोगे उसका अभी नुकसान है, जो बोलोगे अभी फायदा बताता हूँ क्या है। तो सारा मजमा बोलिए या नबी सलाम अलैका। दावना से कहा ना, तो आगे हदीस का तर्जमा सुनो। नबी फरमाते कहीं से सलाम करो, मैं मदीना ही से सुन लेता हूँ, अब मदीना ही से तुम्हारे सलाम का जवाब भी अता कर देता हूँ। इसलिए जो सुन्नी होगा ए भाई, जो सुन्नी होगा जब तक जिंदा रहेगा, दम में दम रहेगा, इंशाल्लाह पढ़ता रहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे, जोर से मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मा बद में हिदायत पे, डाल दी कल्ब में अदमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। सुभान अल्लाह, सुनो,
जो मैंने आयत पढ़ी है 30वां पारा सफा 730 रुकू 33 आयत 177 इन्ना आफ़ीना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता किया। शान नुज़ूल सुनो, फिर तशरीह में लुत्फ आएगा। जलालैन शरीफ सफा 505 सतर 45 نزلت في لاس ابن وائل سمى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابتر عند موت ابن القاسم ما ظل جب سرکار کا بیٹا حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تو مکہ کے کفار پکار اٹھے کہ محمد ابتر ہو گئے کیوں بیٹا سے نسل بڑھتی ہے ماظلہ محمد کا بیٹا مر گیا محمد کی نسل ختم ہو جائے گی تو رب نے فَإِنَّا کل کوثر محبوب کفار کی بکواسانہ گفتگو سے رنجیدہ نہ ہونا یا آپ کو ابتر کہتے ہیں اور آپ کا رب فرماتا ہے اِنَّا عَطَيْنَا کل کوثر ہم نے تو آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے کہ سب کی نسل باپ سے چلے گی آپ کی نسل بیٹی فاطمہ سے چلے سبحان اللہ جب ہی تو ہمارے نبی فرماتے ہیں سب کا بیٹا باپ کی طرف منسوب ہوگا فاطمہ کا بیٹا میری طرف بھی منسوب ہوگا فاطمہ کی طرف بھی ہوگا فرماتے اللہم حازان ابنایا و ابنایا بنتی انی وحبہما فحبہما وحبما یحبہما سرکار فرماتے مولا حسن حسین میرے بیٹے ہیں اب میری بیٹی فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں مولا تو بھی پیار فرما جو حسن حسین سے پیار کرے مولا تو ان سے بھی پیار فرما اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حب اہل بیت دے آلِ محمد کے لیے کر شہید عشق حمدہ پیشوا کے واسطے دو جہاں میں خادم آلِ رسول اللہ کر حضرت آلِ رسول مقتدی کے واسطے سنیے پہلے ایک بات سنیے الخصائص الکبریٰ جلد ثانی صفحہ 88 باب ما اطلع علیہ البرزخ مجھ کو اتنی حدیثیں یاد ہے اعلیٰ حضرت اور میرے پیر مفتی آدم کے کرم سے کہ پورے دنیا میں سب وہابی مل کے پڑھے تو اتنا یاد نہیں یہ میرے پیر مفتی آدم کا کرم ہے ہے کی نہیں دو شعر سنا دیتا ہوں ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آدمہ ہم جگر آزمائیں مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں سنو سرکار کا بیٹا بہت پیاری بات ہے سرکار کا بیٹا حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا 2 سال سے پہلے یعنی مدت رضاعت سے پہلے حضرت خدیجہ نے کہا لو ابقاہ اللہ تعالی محبوب میرے آقا میری خواہش تھی میرا بیٹا قاسم اگر زندہ رہتا تو میں دودھ پلاتی مدت رضاعت پوری کرتی تو سرکار نے فَإِنَّ تَمَامَ رَضَائِ فِي الْجَنَّةِ خدیجہ کیسی بات کر رہی ہے تمہارے بیٹا کو جنت میں حوریں دودھ پلا رہی ہے اگر کہو تو مکہ میں ابھی دعا کر دیتا ہوں اب مکہ میں بیٹھے بیٹھے تیرا بیٹا جنت میں ہے اس کو دیکھو گی بھی اور جو مسکرا رہا ہے اس کے آواز کو بھی سنو گی کر دوں دعا تو خدیجہ نے کہا حضور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اصدق اللہ ورسولہ خدیجہ کا ایمان کہتا ہے کہ میرا اللہ بھی سچا ہے میرا رسول بھی سچا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابھی تو ابتدائی شہر ہوتا ہے کیا دو تین حدیثیں اسے سناؤں گا کہ سب توبہ کر کے ہی جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اب سنو حدیث شریف سنو ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 227 کی حدیث ہے سوئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیت کا حب و علیک حضور یہ بتائیے نا اہل بیت میں اپنے گھر والوں میں اہلِ بیت میں سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے نبی فرماتے ہیں من الحسن والحسین بچوں میں پیار حسن حسین سے ہے من النساء فاطمہ عورتوں میں فاطمہ سے ہے من الرجال علی اور اہلِ بیت میں جوانوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے اپنے علی سے ہے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کتنا پیار ہے نبی کو ایک بار سارا مجمع جی لگا کر بول دو سبحان اللہ دبر سیدہ بھی موجود ہے سرکار بھی جلوہ فرما ہے حضور نے دونوں نواسوں کو بلایا کہا بیٹو حسن حسین سال بھر کے چھوٹے بڑے ہیں بس کہا تم دونوں بھائی میرے سامنے ذرا کشتی کھیلو تو
दोनों भाई मैदान में आ गए। जैसे हसन का हुसैन से हाथ मिला कि सरकार खड़े हो गए। कहा बेटा हसन, बाजू पकड़ के, बेटा हसन पटक दे हुसैन को। तो सैयदा ने कहा हुजूर हुसैन छोटा है ना, छोटा ना प्यारा होता है। तो सरकार ने भाई इन्नी अरा माला तरौन, सैयदा मैं वो देखता हूँ जो कोई नहीं देखता। अर्ज क्या हुजूर क्या देखा? कहा जब दोनों भाई मैदान में आए ना तो जिब्रील आ गए, हुसैन का बाजू थाम कर कहता पटक दे हसन को, तो मैं हसन का बाजू पकड़ के कहता हूँ पटक दे हुसैन को। हुसैन को जिब्रील ने थामा के न गिरने पाए, तो मैंने भी हसन को थामा के हसन भी न गिरने पाए। आला हजरत जबी तो फरमाते हैं मातूम न तसाया शाह सकलन, उस नूर की जलवा गाथी साते हसनैन, तमसील ने उसाय के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं और आधे से हुसैन। चुनान जो सुने मिश्कात शरीफ जिल्द सानी सफा 571 फसल सानी हदीस नंबर 12 17 12 13 14 15 16 17 18 अनुसामा इब्न ज़ैद قال تركت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بعد الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو مشتمل لا شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت يا رسول الله ما هو الذي مشتمل عليه فكشفه بعد الحسن والحسين وقال اللهم هذان ابنايا क्या प्यारी इसको इसको नोट है ना, पैर नहीं पड़ना चाहिए माशाल्लाह। नोट में गांधी भी है, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। ओसामा बिन ज़ैद कौन है? हुजूर का गुलाम ज्यादा, किनका बेटा? जैद का बेटा। ये जैद कौन है? पूरे कुरान में किसी सहाबी का नाम नहीं है, मगर लफ्ज जैद कुरान में मौजूद है। जब सरकार के बारगाह में खदीजा के खानदान वालों ने निकाह के वक्त गुलाम की हैसियत से पेश कर दिया था, पता चला जैद के खानदान वालों को मेरा बेटा मोहम्मद की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहा है, बेशुमार दौलतें लाए, मोहम्मद कितनी दौलत चाहिए ले लो, बेटा जैद को आजाद कर दो। अल्लाह सरकार जैद ये कौन है? कहा मेरा बाप है। ये कौन है? रिश्तेदार है। सरकार ने कहा मोहम्मद को दौलत की जरूरत नहीं है, जैद जाना चाहता है तो जा सकता है, इतना कहना था। अभी ऐलाने नबूवत नहीं हुआ है, मगर जैद का इश्क देखो, नबी के कदम पे गिर गए। अगोया बसवाने आला हजरत कहने लगे कि या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे बले गैर की ठोकर पे न डाल, झिरकिया खाए छोड़ के सदका तेरा। अर्ज क्या हुजूर आपके साथ बाप के साथ जाना पसंद नहीं है, गुलामी पसंद है। बाप ने कहा बेटा दुनिया आजादी पसंद करती, तू गुलामी पसंद करता है। जैद ने कहा बाप कान खोल कर सुन लेना, तुम्हारी आजादी से बेहतर है मोहम्मद की गुलामी। सरकार आगे बढ़े, जैद को गोद में उठा लिया, कहा मक्का वालों गवाह हो जाओ, आज से मोहम्मद ने जैद को आजाद करके अपना बेटा बना लिया है, इन्हीं का बेटा ओसामा है। फरमाते एक रोज रात का वक्त मैं हुजूर की बारगाह में गया, तो हुजूर बाहर आए, काला कंबल ओढ़े थे, काला कौन सा कंबल ओढ़े थे? कंबल उभरा हुआ था। पहले मसला बीच में समझो, आला हजरत ने अल फतावर रसविया के अंदर लिखा है कि काला जूता न पहनना, न काली चप्पल पहनना, अगर कोई खरीद लिया हो तो पहन पहन के तोड़ देना, आइंदा मत खरीदना। क्यों? आला हजरत फरमाते जो काला जूता पहनेगा उस जिंदगी भर गम में मुब्तला रहेगा, क्योंकि मेरे नबी का कंबल काला है, अकाबा का गिलाफ भी काला है, सुभान अल्लाह। इसलिए काला जूता नहीं पहनना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े बाहर आए, फरमाते जब मैं जरूरत से फारिग हो गया तो अर्ज करते हुजूर दोनों तरफ से ऐसे कंबल क्यों उभरा हुआ है? तो फरमाते हैं फकशफ, हुजूर ने कंबल हटा दिया, तो देखा नाना के गोद में एक तरफ इमाम हसन थे और दूसरी तरफ नाना के गोद में इमाम हुसैन थे, सुभान अल्लाह। शेर कहता है, दो शेर सुन लो, एक बार जोर से कह दोनों सुभान अल्लाह दो। शेर कहता है गौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फरसे समी से आज तक शोहरा हुसैन का, अब बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का।
ये वक्त ही ऐसा है कि मिस कॉल वाला नारा लगेगा, सोने का टाइम है। ए तनवीर बाबू, मैंने हॉलैंड में तकरीर किया, जर्मन में किया, फ्रांस में किया, अफ्रीका में किया, लसेथो में किया, हरारे में किया, मोजाम्बिक में किया, कराची में किया, अब पाकिस्तान का हैदराबाद सिंध में किया, और कहाँ गया? बांग्लादेश बुद्धू देश में भी किया, और कहाँ गया? नेपाल में भी किया। मगर खुदा की कसम, अल्लाह उसका रसूल गवाह है, जहां जहां मैं तकरीर करने गया, हर जलसे में बाहर भी देखा, वहां मसलके आला हजरत का नारा लग रहा था। एक बार सारा मजमा आप भी तो कह दो, मसलके आला हजरत, मोहब्बत से मसलके आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। ए भैया, मुझको हदीस सुनाने में जरा टाइम लगेगा, टाइम है आप लोगों के पास कि खत्म कर दें अब? नहीं, देखो इसको, इसको देखो। अरे सुनानी ही के लिए तो पैदा हुआ हूँ, मगर मेरे साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि पूरा हिंदुस्तान के उलमा समझते हैं कि इससे बड़ा खतीब कोई है ही नहीं, इसलिए सबसे लास्ट में हर जलसे में मेरा नंबर देता है कि सबसे बड़ा मुकर्रर यही है, ये पहले बोल देगा तो सब चला जाएगा, इसलिए इसको बाद में रखा करो। मैं जहाँ जाता हूँ मेरा नंबर बाद ही में आता है, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एहसास बर्तरी का शिकार हो चुका हूँ कि वर्ल्ड में मुझसे ऐसा खतीब ही कोई पैदा नहीं हुआ है अब तक। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, क्या प्यारी हदीस है भैया। एक सहाबी है, बैठो 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 बैठो, बैठिए बैठिए बैठिए। कुर्सी नहीं जी, मैं तीन तीन घंटा खड़े होके बोलता हूँ तो कुर्सी क्या? नहीं नहीं, सुनो, एक सहाबी है, नाम है अबू हजाम, बहुत गौर से सुनिएगा। गए माँ के पास, किसके पास गए? कहा माँ, माँ, माँ इजाजत दे दो, मैं हुजूर के पीछे मस्जिद नबी में जाकर नमाज पढ़ूंगा। हुजूर के पीछे इजाजत माँ की, हुजूर जैसा इमाम न पैदा हुआ न है न होगा। कैसा इमाम? चलो बरेली इमाम अहमद रजा से पूछो, फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए माँ की इजाजत, हुजूर के पीछे। और आजकल तो ऐसे बुद्धू नमाजी पैदा हो गए कि माँ रो रही है, नमाज लिए भोपाल जा रहा है, कोई दिल्ली, कोई सूरत जा रहा है। इस बुधवा को कोई समझाता क्यों नहीं है कि जन्नत न भोपाल में है, न दिल्ली में है, न सूरत में है, जन्नत तो घर में अपने माँ के कदमों में है। पूरी हदीस लंबी है, पूरी हदीस सुनाने से पहले माँ की बात आ गई है, अगर इजाजत दो तो एक माँ का वाकया सुना देता हूँ। माँ का वाकया बोलो, माँ का वाकया सुनोगे तो जरा माँ के नाम तो बोल दो सुभान अल्लाह, माँ बाप दोनों के नाम बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुनो माँ, पूरी हदीस सुनोगे ना बड़ा मजा आएगा। माँ महबूब इलाही की माँ, क्या नाम है? जुलेखा। क्या नाम है? जुलेखा। जब भी जरूरत पड़ती महबूब इलाही को तो हमारे लिए आपके लिए दुआ कर देते, अपने लिए अपने से दुआ न करते। जब जरूरत पड़ती तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल इख्तियार में फरमाते हैं, जाते माँ के पास, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, अम्मा को सलाम करते, अम्मा के कदमों में बैठते। ए बेटो, अगर आप वफादार बेटा हो तो खबरदार, माँ बाप के सिरहाने में ना बैठना, माँ बाप के कदमों में बैठना। बोलो कहाँ बैठोगे? आ जाके सलाम करते, अम्मा का तलवा दबाते, जैसे तलवा पकड़ते तो माँ समझ जाती कि कोई काम है, कहते बेटा छोड़ दे। पूरे मजमा में नारा लगाने वालों एक बात बताओ, कभी माँ का तलवा दबाए हो? ए बोलना भैया, एक आदमी का हाथ उठा पूरे मजमा में, ये बच्चा कहीं माँ का पैर दबाएगा? जो नादान बेटा माँ को बुढ़िया बोलता है वो माँ का तलवा क्या दबाएगा? कसम खुदा की, सुनो महबूब इलाही सलाम करते और सलाम के बाद माँ समझ जाती, बोले बेटा काम बोलो,
तो मेरे भी लाइफ फरमाते माँ फला काम की जरूरत है निजामुद्दीन को, दुआ कर दो इसलिए आ जाऊं। तो उनकी माँ जाके वजू फरमाती, अब वजू फरमाने के बाद हाथ में तस्बीह लेती, अब तस्बीह लेने के बाद 500 बार पहले दरूद शरीफ पढ़ती। अब फरमाते दरूद पढ़ने के बाद जब जब मेरी माँ जो दुआ फरमाती थी, मेरी माँ की हर दुआ अल्लाह उसी वक्त कबूल फरमा लेता था। बोलो ना कैसी माँ है। और आप माँ की दुआ नहीं लेते हो, पीरों की दुआ लेते हो। मैं भी पीर साहब हूँ, दुआ लो, मगर खबरदार अगर वफादार बेटा हो तो पीर से पहले माँ की दुआ लेना। बच्चों के हक में पीर से ज्यादा अपने माँ की दुआ कबूल होती है, मगर माँ की दुआ नहीं ले रहे हो, पीरों की दुआ ले रहे हो, माँ नाराज रहेगी तो पीर की भी दुआ कबूल नहीं होगी। हमारे नबी फरमाते हैं जिससे माँ बाप राजी हो जाते हैं उससे उसका खुदा राजी हो जाता है। बिलांचो सुनिए, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद फैजाने ताजु शरिया। तो क्या कहा, क्या कहा? माँ इजाजत दो हुजूर के पीछे नमाज। अच्छा एक बात, कितना बड़ा मौलाना साहब, भागलपुर जिला में अब बांका में मैं पहली बार ऐसा जलसा देखा हूँ आपके। हाँ, बहुत तकरीर किया मगर ऐसा जलसा नहीं देखा था जैसा आज देखा। तो हम चाहते हैं इतना खर्चा किए हो तो कुछ पैसा उसूल होना चाहिए और हुजूर की बारगाह में जलसा कबूल होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि ना चाहिए? तो एक बात बताओ तो मजमा में आप लोग नमाज पढ़ते हो क्या? देखा एक आदमी का हाथ उठा, जी जी जी, बकिया सब बेनमाजी बैठे हो। एक दुआ कर देता हूँ, खुदा करे कि कबूल हो जाए। तो जितने सुन्नी भाई बहनों सब नमाजी हो जाओ। बोलो दुआ कर दूं? बोलो ना। तो हाथ उठा लो, दुआ करता हूँ, उठा लो। ए जिसको गुनाह माफ कराना है उठा लो। मौला भाई बहन दोनों को नमाजी बना दे, आमीन बोलिए ना। दोनों के गुनाहों को माफ फरमा दे, दोनों का सीना नबी का मदीना बना दे, सगीरा कबीरा दोनों गुनाहों को माफ फरमा दे। नमाजी हो तो इस्तकामत दे दे, बे नमाजी हो मौला तो नमाजी बना दे। सुन्नी और नमाज ना पढ़ेगा कितने अफसोस की बात है। एक मरतबा बात नमाज की है तो आला हजरत की एक नमाज सुनो फिर पूरी हदीस सुनो। आला हजरत, आला हजरत, एक मरतबा मैं एक ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन, ट्रेन समझते हैं आप लोग? समझते हैं? तो एक जिस बोगी में माँ जहांगीर खान साहब, माशा तनवीर भाई, जिस बोगी में मैं था ना उसी बोगी में दो चार टोपी वाले उधर वाले भी थे। उधर वाले वो भी समझ गए क्या? उधर वाले समझ गए? माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। प्लेटफार्म पे ट्रेन रुकी तो उधर वाले उतर गए नमाज पढ़ने के लिए। मैं देखा क्या हो रहा है, जैसे गया सजदा में एक रेकत भी न हुई थी कि ट्रेन ने दे दी सीटी। सब उठाया मसल्ला डब्बा में घुस गया। मैंने कहा ए भैया कौन सी नमाज हुई? तो एक सुन्नी आया, गाय नमाज पढ़ते हो तुम लोग की मजाक करते हो? कहे नियत तोड़ दी, ये तुम्हारे ट्रेन की सीटी थी, ये तो आधा घंटा रुकने वाली है, वो तो मालगाड़ी सीटी देते आ रही थी। आला हजरत की नमाज देखो, आला हजरत की नमाज। एक बार बोल दो सुभान अल्लाह तो बता देता। आला हजरत सरकार जा रहे हैं अजमेर शरीफ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हैं अजमेर शरीफ जाना चाहिए, माशाल्लाह। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जाना चाहिए। देखो पूरे दौना, पूरे भागलपुर, पूरे बांका, बल्कि पूरा इंडिया मिलके दे, तनवीर बाबू पूरा इंडिया मिलके दे माल दे, तो पूरा इंडिया मिलके उतना नहीं दे सकता है जितना तन्हा कब्र में रहकर अजमेर का गरीब नवाज दे रहा है। खाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खादा बुलाते हैं। तो सुनो आला हजरत जा रहे हैं अजमेर शरीफ। जयपुर के आगे एक स्टेशन आज भी है जिसका नाम है फुलहरा, है ना, है ना। ट्रेन रुक गई, नमाज का वक्त था। आला हजरत ने फरमाया मुरीदो मुतकीदो मुरे मानने वालों सबके सब नीचे आ जाओ, जमात से नमाज पढ़ो। खबरदार, अरे खबरदार, ट्रेन पर ध्यान मत देना, ट्रेन पर ध्यान मत देना।
इत्मीनान से नमाज पढ़ना, क्योंकि अहमद रजा जब नियत मान लेगा तो जब तक अहमद रजा की नमाज खत्म होगी नहीं ट्रेन चलेगी नहीं। अब सुनो आला हजरत नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा की तिलावत हो रही थी कि ट्रेन ने सीटी दे दी। अब ड्राइवर परेशान, सीटी हो रही है, इंजन ठीक, डब्बा चलती क्या नहीं, उसको क्या मालूम था। बुखारी शरीफ में अल्लाह फरमाता है, इंसानी लो ओतजन हूं, मेरा महबूब जो मांगता है वही अता कर देता। अब ड्राइवर परेशान, क्या हुआ, ड्राइवर घोड़ा था। आला हजरत ने नमाज पढ़ी, ट्रेन में कदम रखा, ट्रेन का चलना शुरू हो गया, ड्राइवर के दिल की दुनिया बदलने लगी। आला हजरत शाहजहानी मस्जिद है ना अजमेर शरीफ में, गेट से जाते हो दाहिने हाथ में, उसमें तकरीर फरमा रहे हैं। ड्राइवर पहुंच गया बीवी को लेकर, का हुजूर ठहरिए, मैं वही ड्राइवर हूँ फला स्टेशन पर, जब तक आपने नमाज पढ़ी नहीं ट्रेन चली नहीं, उसी वक्त से हमारे दिल की दुनिया मौलाना बदल रही है। हम बीवी को लेकर इसलिए आए हैं आपके पास कि हम दोनों को पहले कलमा पढ़ा के आप मुसलमान बना दीजिए। क्यों क्यों कि जब बरेली वाला अहमद रजा ऐसा है तो मदीना वाला मुस्तफा कैसा होगा। पढ़ लिया, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक बार और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। आला हजरत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे। आप जानते हैं कि मुकर्रर को 10 रुपया नहीं दिया जाता है। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। तो सुनो क्या कहा सहाबी ने, माँ माँ इजाजत दो ना हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, लेट हो गई। तो सहाबी ने कहा, मेरी माँ अगर आपने इजाजत दे दी कि बेटा जाओ हुजूर के पीछे नमाज पढ़ लो तो मैं कहूंगा हुजूर मेरे लिए मेरे माँ के लिए आप दुआ मगफरत फरमा दे। माँ ने कहा, बेटा जल्दी जाओ जल्दी। गए मगरिब की नमाज पढ़ी, कुछ न बोले, ईशा की नमाज पढ़ी न बोले। क्यों, ये सहाबी थे, इनका अकीदा था नबी चेहरा देखता है तो दिल की बातें बता देता है, है ना भाई। कुछ न बोले कुछ न बोले तो क्या हुआ जानते हो, गए सरकार जाने लगे, फरमाते फत्ता बात हो, मैं पीछे पीछे चलने लगा। नबी फरमाते, मन हजा अबू हजाफा, कौन है पीछे, अबू हजाफा, हाँ मेरे आका। तो फरमाते, बोलते क्यों नहीं, आने का मकसद क्या है, न बोलेगा तो ले बिन बोले दुआ कर देता हूँ घर चला जा। अस्तग़फिरुल्लाह लका वले उम्मका, अबू हजाफा ले बिन बोले दुआ कर देता हूँ, अल्लाह तुम्हारी भी मगफरत फरमा दे और तुम्हारे माँ की भी मगफरत फरमा दे। इसी को तो गायब कहते हैं। फिर सरकार फरमाते, हादा मलकुन लम यंजलिल अर्दा कबलो खत्तों, ए अबू हुदाफा सुनो, अभी अभी एक फरिश्ता आया है, पहले कभी ना आया था, पहली बार आया है, रब का पैगाम लाया है कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि मेरे बेटा हसन हुसैन को अल्लाह ने जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है, और मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। हसन हुसैन बोलो एक बार, हसन सब बोलो, हसन ऐसे ना बोलिएगा, एक बार कहिए या हुसैन, एक बार उनके बाबा के नाम बोलो या अली, जन्नती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन, बोलो हसन, और जन्नती औरतों की सरदार फातिमा। अच्छा एक बार इतनी प्यारी हदीस सुनाऊंगा कि मचल जाओगे। मगर एक सवाल है, आप लोग जन्नत में जाइएगा, ऐसा हाँ बोला जैसे सब बाअमल वली बैठा है, इतनी जल्दी चले जाओगे, पहले तो धुलाई होगी, ऐसे कैसे चले जाइएगा। सब आदमी बोलिए इंशाल्लाह जाएंगे, बोलिए इंशाल्लाह, खाली जी बोल दिया जैसे बिल्कुल पक्का अमल करके बैठा, इंशाल्लाह बोलो बोलो, जन्नत में जाओगे ना, बोलो इंशाल्लाह, ऐसे ना बोलना चाहिए, ऐसा बोला जैसे मरे आ गए, अभी भी अमल बैठे हो, धुलाई ना होने वाली है इंशाल्लाह। तो जन्नत में जो जाओगे, ए भाई ए बेटा इधर जन्नत में जाके का कीजिएगा आप लोग, यहाँ तो अहले बैत का जलसा किया, हुजूर हाशमी मियां को बुलाया, फकीर को बुलाया, और जन्नत में का कीजिएगा आप लोग, बस का कीजिएगा, हम बता दें क्या करोगे। आला हजरत ने अल मलफूज में लिखा है चौथे हिस्सा में, इस जालिम सऊदी वहाबी को बता दो जो कहते गुम्बदे खजरा बिदत है, और आला ने लिखा कि कयामत आएगी तो नबी का गुम्बद उठाकर जन्नत में रखा जाएगा, सुन्नी जन्नत में भी गुम्बदे खजरा की इजाजत करेगा। सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह। और इसी पर बस नहीं, बात मदीना की है तो फिर दो शेर सुनाने को मन कर रहा है। बोलो ना सुना दे कि नहीं सुना दे, तो एक बार बोलिए ना सुभान अल्लाह तो बता देते हैं। शायर कहता है, या रसूल अल्लाह याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। सुनो सुनो, मेरे पीर का करम है कि मैंने अब तक 33 हज किया है। कितना हज किया है? 33। एक दुआ कर दूं कि आप भी चले जाओगे हज करने? कर दूं कि नहीं करूं? छोड़ दूं? छोड़ दूं? कर दें तो हाथ उठाओ, दुआ करता हूं। उठाओ उड़ा उड़ा, मौला मौला सारे मुसलमान को इतना मालदार बना दे कि सब पे हज फर्ज हो जाए, हज फर्ज हो जाए तो इसी बहाने मदीने की ज़ारत हो जाए। आमीन बोलिए ना, आमीन बोलिए ना, नीचे कीजिए। सुभान अल्लाह। ए जन्नत में मौलाना एक और बात है, जन्नत में तो बहुत बातें हैं, एक बात और है, कुरान शरीफ में भी है, समझ रहे हैं, और हदीस शरीफ में भी है कि हर सुन्नी को मिलेगी हूर जिसका नाम है हूर ईन, चांद भी शर्मिंदा उसके हुस्न के सामने, और समंदर में 2 करोड़ शकर का बोरा रख दो तो समंदर का पानी मीठा होगा नहीं होगा, मगर हूर इतनी अच्छी है कि समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी मीठा हो जाए। कैसा मन कर रहा है जल्दी कयामत आ जाए? हूर मिलेगी सुन्नियों को। अच्छा एक बात, ऐ सुन्नी अहले बैत के जलसा में आने वालों, हूर मिली तो दुनिया वाली बीवी का अब क्या होगा, जिसके साथ आपने 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल जिंदगी गुजारी, हमारी इस बहन का क्या होगा? तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में, लहु मज़वाजुन मुतहरतुन फिया खालिदून, दुनिया वाली बीवी भी शोहर के साथ पाक साफ होकर जन्नत में रहेगी। मेरे भैया हूर तो बहुत खूबसूरत है, दुनिया वाली बीवी तो उतनी खूबसूरत नहीं है, तो जन्नत में दिल किधर रहेगा, बीवी की तरफ के हूर की तरफ, है कि नहीं? यूं बहुत खूबसूरत है ना, वो आला हजरत के करम से। सुनो सुनो, हमारे नबी फरमाते हैं, सावी शरीफ की है, आला हजरत ने बताया है कि हमारे नबी ने फरमाया है कि जब दुनिया वाली बीवी को जन्नत में पेश किया जाएगा तो पेश करने से पहले दुनिया वाली बीवी को अल्लाह जन्नत में हूर से ज्यादा खूबसूरत बना देना। अब तो दुनिया वाली बीवी के नाम बोल लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो मुस्लिम शरीफ दिलदेसानी सफा 283 हदीस नंबर 673-345 अनाशत रजी अल्लाह तआला ना قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرتل مرهن من شعر اسود فجعل حسن فدخل معه ثم جعل حسن فدخله ثم جاءت فاطمه فدخل ثم جاء علي فدخله وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي اذ هم इस हदीस से पाक के रावी तनवीर बाबू, ये आपका लड़का है, माशाल्लाह हरे भरे शाह, अच्छा अच्छा बांधना चाहिए, सरकार का गुंबद हरा है, इस बच्चे का अमामा भी हरा है, अच्छा है बच्चा, जब तक बच्चा है शरीयत की पाबंदी नहीं है, बच्चा कोई सुन्नी का मर जाता है ना तो बिला हिसाब किताब के जन्नत में जाता है, और सिर्फ जाता नहीं है, बुखारी शरीफ के जिल्द अव्वल पारा 3 में है कि अपने बच्चों, जो बच्चा मर जाता है वो अपने माँ बाप को लेकर के जन्नत में जाता है। अब ऐसा दुआ ना करना कि बचपने में मर जाए, बढ़ने देना इसको, है कि नहीं? अब सुनो सुनो, ए क्या कसम से क्या प्यारी बात है, इस हदीस पाक के रावी हजरत आयशा सिद्दीका ताहरा मुत्तहरा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। पूरी हदीस सुन लो, पहले हजरत आयशा की एक बात सुन लो, फिर पूरी हदीस में अहले बैत का जिक्र मैं सुनाता हूँ। जरा एक बार उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से सारा मजमा जी लगा कर बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। सुनो एक बार हुजूर के हजरत आयशा के, आयशा अस्सलाम वालेकुम, हजरत आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह, सरकार का आयशा है, आज मैं तुमको कुछ देने आया हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 10 सफा 351 पे है कि सरकार बारी बारी बीवियों के यहाँ जाते थे तो हजरत आयशा के यहाँ गए, कहा आयशा आज जो मांगना है मांग लो, नबी देने आया है तुमको, जो मांगना है मांग लो। ए सुन्नी भाई, ये जुमला कौन कहेगा जो मांगना है मांग लो? मुखिया जी कहेंगे यहाँ के, तो तनवीर बाबू कह के देखे, हम कहेंगे पूरी बिल्डिंग लिख दो, लिख पाएंगे?
ये वो कहेगा जिनकी हुकूमत जर्रे जर्रे पे होती हो, कौन कहेगा चलो ना बरेली, इमाम अहमद रजा से पूछो ना, फरमाते मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अब दो शेर आला हजरत का और सुनो, सारा मजमा को कहना होगा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। आयशा आयशा मांग लो, हम तो आपसे मांगा नहीं है भाई, बेला मांगे आ रहा है, मांग लो। तो हजरत अच्छा एक बात है, आज का शोहर कोई मालदार हो, अब बीवी से कह बीवी मांग लो तो क्या मांगेगी, आजकल की बहन को मांगने ही नहीं आता है। अगर अकलमंद बीवी होगी तो कहेगी शोहर आप खुश रहें यही चाहिए, क्योंकि जिस बीवी से शोहर खुश रहता है उस बीवी से उसका अल्लाह राजी रहता है। अगर बुद्धू बीवी होगी कहेगा शोहर मांग लो, अकलमंद नहीं होगी तो कहेगी देखते नहीं हैं सोना का भाव बढ़ता जा रहा है, दो चार तोला खरीद नहीं लेते हैं, क्या करेगी, पूछो सोना लेके क्या करेगी, मर जाएगी बहू बेटी ले लेगी। मगर अगर शौहर को राजी करके मरोगी मेरी बहन, तो हमारे नबी फरमाते जिस बीवी से शौहर राजी है मरते ही उस बीवी के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सरकार ने फरमाया आयशा मांग लो, आज नबी देने आया है। हजरत आयशा ने सोचा क्या मांगे, नबी से बढ़ के दुनिया में क्या है, जब नबी मेरे हैं तो कायनात मेरी है। आयशा देर हो रही है, मांगती क्यों नहीं हूँ, तो हजरत आयशा ने कहा हुजूर मांगने नहीं आता, क्या मांगे, आप ही मेरे हैं तो आपसे क्या मांगे, कायदे की बात है ना भाई, आप मेरे हैं तो आपसे क्या मांगे। तो सरकार नहीं आयशा नहीं नहीं जल्दी 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 ना करो, मौका देता हूँ एक दो रोज का मौका देता हूँ, मोहलत देता हूँ, अगर जवाब नहीं आता आयशा तो अपने बाप अबू बकर के घर जाओ, अपने बाप से मशवरा कर लो कि नबी से क्या मांगू। हाय गई आयशा का अबू, अस्सलाम वालेकुम, अबू ने कहा वालेकुम सलाम बेटी, कैसे आना हुआ बेटी, कहा हुजूर ने कहा मांग लो, कहा अच्छा मौका है बेटी मांग लो, कहा हुजूर मौका तो अच्छा है मगर मांगने जो नहीं आता है, तो नबी ने कहा बाप से मशवरा करके आ जाओ, तो यार गार ने कहा बेटी जवाब मैं सिखा देता हूँ, कहा जाओ कहना हुजूर कुरान में है फवहा देही मा वहा, आप जो शबे में राज गए अल्लाह के यहाँ, आप में अल्लाह में जो राज नियाज की बातें हुई हैं जो किसी को नहीं मालूम है, उसमें से एक राज की बात बीबी आयशा को बता दीजिए, न अरशे भरी न रूह अमी न लोहे मोबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमजे खुली असल की निहा तुम्हारे लिए। दो शेर और आला हजरत का, सारा मजमा कहेगा तुम्हारे लिए, क्या कहोगे बोलो, क्या कहोगे बोलो ना। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह जमीनो जमा, अरे तो आप लोग भी बोलिए ना, जमीनो जमा मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां देहन में जमा बदन में है जा, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्या जाओ अच्छा ये चंचल चंचल अशरफी ने नारा लगाया, अभी जो बरेली के तावीजात और नकूश लेके हर जलसे में जाते हैं चंचल, है ना, सुनिए हजरत कितनी प्यारी बात है। हजरत आयशा गई रास का, जाओ कहना हुजूर एक रास बता दिए, रास वो रास क्या है सुनियो, ए सुन्नी भाई, ए बेटा अरे इधर देखना जन्नती उधर का देखता है, हाँ बच्चा है जाने दीजिए, बच्चा जाता है तो जाने दीजिए, बच्चे का बाप जाए तो बैठा दीजिएगा, बच्चा जाए तो जाने दीजिए। सुनो रास, ए भाई रास बता दू, नहीं रास जल्दी नहीं बताना चाहिए, एक साल के लिए मैं इस रास को मुलतवी कर रहा हूँ, आइंदा कभी जलसे में आए दावना तो वो रास हम बता देंगे कि वो रास क्या था, एक साल के लिए इसको छोड़ देता हूँ, अच्छा रहेगा कि नहीं बोलिए ना, छोड़ दू ना एक साल के लिए, आज बता दू तो इतने खामोश मजमा में इतना अच्छा रास सुनोगे आप, जरा सारा मजमा बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे इतना उम्दा राज है कि मचल जाओगे, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आयशा गई का हुजूर बताइए, कहा बोलो ना, वादा है दूंगा, का हुजूर कुछ नहीं, आप में अल्लाह में जो राज व नियाज की बातें हुई ना हुजूर, उसमें से एक राज की बात अपनी बीवी को बता दीजिए,
सरकार ने मुस्कुरा दिया कि आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर का मशवरा मुझे भी पसंद आ गया। अब सुनो वो राज क्या है। आयशा सुन लो, अल्लाह ने राजों में से एक राज ये बताया कि महबूब मैंने अपने कर्म से किसी के कहने से नहीं, अपने कर्म से अपने ऊपर वाजिब कर लिया है कि जो मुसलमान सुन्नियों को कहते हैं मुसलमान, जो मुसलमान किसी मुसलमान का दिल न तोड़ेगा कयामत का दिन आएगा तो उस मुसलमान को मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल दूंगा। यहाँ तो सब दिल तोड़ के बैठे हो, चाहे जितना नारा लगा लो, चाहे जितना सुभान अल्लाह कह लो, कोई माँ का दिल तोड़ा है, कोई बाप का, कोई पीर का, कोई भाई का, कोई मोहल्ला वाले का। सुन्नियों आप बिगड़ते क्यों जा रहे हो? अच्छा सुन्नी दिलों को नहीं तोड़ता है, अच्छा सुन्नी तो वो होता है जो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता है। दिलों को न तोड़ा करो, दिलों को जोड़ा करो। एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा को मैं कहता हूँ, जरा जी लगा कर जवाब देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ए भैया एक बात सुन लो, फायदा होगा, फिर हदीस का तर्जमा मैं सुनाता हूँ आपको, फिर सुनाता हूँ। पहले एक बात सुन, जलसा खत्म होगा, ए होगा कि नहीं, होते रहेगा दिन भर, होगा। खत्म होगा तो कहाँ जाइएगा आप लोग? अब मस्जिद के बाद कहाँ जाइएगा? लो यहाँ जितने आए हो किसी का घर है ही नहीं क्या? बोलिए ना कहाँ जाइएगा? घर कहाँ जाइएगा? डरते कहाँ हैं? एक मसला बता रहे हैं, घर की रोजी खत्म हो रही है। बता देता हूँ कि रोजी खत्म ना हो, घर की बरकत खत्म हो रही है। मसला बता देता हूँ कि घर की बरकत खत्म ना हो, अमीर हो कि गरीब हर घर में लफड़ा हो रहा है। एक मसला बता देता हूँ ताकि घर का लफड़ा खत्म हो जाए। बोलो बता दूं कि नहीं बता दूं? तो मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। बता देता हूँ खुशी साहब आगे आइए ना, आप तो और पीछे होते जा रहे हैं। माशाल्लाह क्या कीजिएगा, टाइम ही ऐसा मिलता है मुझको कि जाने का टाइम रहता है। ठीक है ठीक है, सुनो यहाँ से घर जाना, आपका घर है, आप सुन्नी भाई हो, नारा इतना लगाते हो, लगाओ, इतने जलसे में जाते हो, जाओ मर मसला तो सीखो। घर तो जब नबी की दुआ कबूल हो गई तो सुन्नियों का अकीदा बन गया कि मेरा हसन पाक, बोलो मेरा हसन, जोर से मेरा हसन, मेरा हुसैन अली, सरकार की बेटी फातिमा कितना पाक। जिस तरह से औरतों को हर माह में महिमाहरी आती है, हैज खून आता है, अल्लाह ने नबी की बेटी फातिमा को उस बीमारी से पाक पैदा किया। फातिमा को नहीं 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 ये बीमारी नहीं होती थी, इसलिए अल्लाह ने पाक पैदा किया। और बच्चा पैदा होने के बाद जिसको नफास कहते हैं, कम से कम जितने दिन में पाक हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा औरत 40 दिन तक नापाक रहती है, अल्लाह ने फातिमा को उससे भी पाक पैदा कर दिया। सज्जता साहिरा तजबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, और जिसके हाथ अल्लाह देखा महो मेहर ने उस रिदाए नुजत पे लाखों सलाम। एक बड़ा प्यारा वाकया सुनाने जा रहा हूँ, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, तो सुना दे सुभान अल्लाह। की बाजी है उम्मे ऐमन, रात दिन का 12 तकरीबन बज रहा था, गई फातिमा के यहाँ। ओहो दरवाजा बंद है, सुन्नी बिगड़ो नहीं सुधरो, किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल होना हराम है। ये न कहना कि दोस्त का घर है घुसो, गुना होगा गुना होगा। इजाजत के बाद जाना, इजाजत के बाद जाना। देखिए नौशाद भाई इतना आपको मानते हैं कि आपको लगे चाय पिलाते हैं ताकि दोबारा फिर इसका मैक लाइएगा। नौशाद भाई हमको भी मानते हैं, इनको खिलाफत तेरी सिलसिले की मिल चुकी है। नौशाद साहब ने बहुत अच्छा है, उलमा भी बहुत मानते हैं उनको, आपके यहाँ के लिए भी हमको फोन करते थे, हजरत दावना जाना है, हजरत दावना जाना है। हम समझ गए कि मैं किसी का जाने वाला है। बहुत अच्छा मैक है, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब सुनो सुनो, उम्मे ऐमन गई फातिमा जहरा का दरवाजा बंद है, अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, झरोके से झांक कर देखा तो क्या देखा, फातिमा बेखबर जमीन पे सो रही है और चक्की खुद बखुद चल रही है और हुसैन का झूला खुद बखुद हिल रहा है।
उम्मे ऐमन गई हुजूर क्या हुजूर अजब मंजर देखा है। का क्या देखा? का फातिमा सो रही है, चक्की चल रही है, हुसैन का झूला हिल रहा है। नबी फरमाते इन्नी अरा माला तरौन, में वो देखता हूँ जो कोई नहीं देखता है। अर्ज क्या हुजूर है, देखो इधर देखो हुजूर क्या देखा? का मेरी बेटी फातिमा का जो रोजा है, रोजा रख के चक्की चला रही थी, भूख की शिद्दत का एहसास हुआ, रोजे का एहसास हुआ, प्यास की एहसास हुआ, तो मौला ने फातिमा पे नींद का गलबा तारी कर दिया कि फातिमा सो जा इतनी मेहनत ना कर। और जब फातिमा सो गई है तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है कि जा, जब तक फातिमा सोती रहे तुम उनकी चक्की चलाते रहना, जिब्रील तू भी जा, जब तक फातिमा सोती रहे उनके बेटा हुसैन का झूला हिलाते रह जाना। सुभान अल्लाह, कौन है इनमें बुलंद है रुतबा हुसैन का, फरसे जमीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, अब बेमिसल है जहां में गुंबा हुसैन का, सुल्तान है दो जहां है नाना हुसैन का। या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद है। भैया आप नारा लगाए हो तो फातिमा जहरा हसनैन की माँ का एक वाकया इतना अच्छा सुना देता हूँ कि सो जाओगे तो ख्वाब में भी हंसते रहोगे। सुना दूं बहुत प्यारा वाकया है। अच्छा एक बात बताइए तो मुहर्रम का जो आशूरा 10 तारीख थी, 10 तारीख को दावना में क्या हुआ है? कुछ न हुआ, ढोल बजा। देखिए ये हुसैनी मुसलमान बोलते ढोल बजा, ये हुसैनी मुसलमान बोलते ढोल बजा। ए हुसैनी मुसलमान कहीं ढोल बजाता है? ये तो हुसैन का सर जब करबला से कूफा और कूफा से दमिश्क जा रहा था तो यजीदी ढोल बजा रहे थे, अब हुसैनी ढोल बजाने लगा है। खेलो डंडा खेलो, तलवार चलाओ, मना नहीं है, मगर ढोल क्यों बजाते हो? हुसैनी मुसलमान ढोल नहीं बजाता है। हुसैनी मुसलमान क्या करता है? हमारे नबी फरमाते हैं, बेशुमार हदीसों में हदीस मौजूद है, मुहर्रम की 10 तारीख को जो हुसैन के नाम एक रोजा भी रख लेगा तो हमारे नबी फरमाते हैं रोजा रखने वाले के पिछले 1 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। तो रोजा नहीं रखते हो, ढोल बजा रहे हो कि और गुना खरीदो। तौबा तौबा, आइंदा ढोल मत बजाना, रोजा रख लेना, डंडे चला लेना, खुदा तौफीक दे तो हुसैन के नाम शरबत पिला देना, हुसैन के नाम कुरान खानी करा लेना, हुसैन के नाम लंगर चालू कर देना। ओहो सुनो वाकया हजरत फातिमा का, जिसको अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अल इतलाक अपनी किताब मदारजुन नबुवा जिल्द अव्वल में फरमाते हैं। अच्छा ढोल बजाने वालों हमसे नाराज ना हो जाइएगा, नाराज हो जाओगे तो हम क्या करेंगे? आपको राजी करेंगे कि हम करवाला वाला को राजी करेंगे? हम मदीना वाला को राजी करेंगे। आप नाराज हो जाओ तो घर में रहो, हमारा नबी हमसे राजी हो जाए। बोलो ना भाई, नबी राजी हो जाए। सुन्नियों का एक नारा होता है या रसूल अल्लाह हर जफा हर सितम का वारा है, इतना तो कह दे के तू हमारा है। ना दो वाकया सुन के जाना। हजरत फातिमा जहरा एक रोज गए हुजूर बेटी के यहाँ। ए बेटी वालो आप लोग बेटी के यहाँ जाते हैं ना? जाते हैं? ऐ जाओ ना जी, समझी से बिगार हो जाए तो भी जाओ, समझी से मिलने ना जाओ, अपनी बेटी से मिलने जाओ। और रोज रोज मत जाओ वरना समझी बिगड़ेगा कि रोज चाय पीने आता है। कभी कभी जाओ। हुजूर गए अरब की गर्मी, सरकार की बेटी फातिमा चूल्हा चूल्हा लकड़ी वाला रोटियां पका रही हैं और पसीने में भीग चुकी है, पूरा कपड़ा भीग चुका है। सरकार बेटी की मोहब्बत में चूल्हा के पास बैठ गए। पर फातिमा हट जा, आटा बढ़ा दे, एक दो रोटी बेटी के लिए अब मैं पका देता हूँ। सरकार ने फातिमा ने आटा बढ़ा दिया, सरकार ने आटा लिया, तनूर चूल्हे में रोटी बना के लगा दी। फातिमा ने क्या देखा? या अल्लाह, वो रोटियां जिसे मैंने लगाई थी पक पक के निकल गई, मगर वो रोटी जिसे मेरे बाप रसूलुल्लाह ने लगाई है आग न जला रही है न पका रही है, मामला क्या है? नबी ने मुस्कुरा दिया, काए बेटी फातिमा उसे निकालो, अब तुम खुद से पकाओ,
इसलिए कि जिस पर तेरा बाप रसूलुल्लाह जिस पर तेरा बाप रसूलुल्लाह अपना हाथ लगा देगा उसे न दुनिया की आग जला सकती है और न जहन्नम की आग जला सकती है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। सुनो बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा बाद सफा 810 बाब उम्मा कल हत्ता शब हदीस नंबर 1 17 15 16 17 18 19 में 21 22 23 24 25 26 27 अनस बिन काला काला अबू तलहा उम्मे सुलेम लक्द समितु सूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दईफन फल मिन इंद कशन कालत रम वखर तकरास मिन शईर थुम खरब खमारा फलफत الخبز ثم دست تصبي وارسل الى رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم فذهبت به وجدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد وما هنا فقمت على باب المسجد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا فانطلق فانطلقت حتى جئت ابا طلحه فقال ابو طلحه لام سلم فجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالنا وليس عندنا من الطعام ما نطعم فقالت الله رسوله عالم सुनो कितनी लंबी हदीस सुना दी है ए भैया माशाल्लाह माशाल्लाह बैठिए ऐ बैठो बैठो ये हदीस सुन लो भाई ये हदीस सुन लो सुन लो इस हदीस का तजाम ये जितने कमेटी वाले हैं सब या तो टोपी पहने हुए या उस रंग का साफा बांधे हुए कमेटी वाला है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा फादर माशाल्लाह। एक बात आप लोग सुन्नी है ना बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि सुन्नी ही कोई ईमान वाला कहते हैं मगर एक बात तो सुनो चाहे कहीं के मुरीद रहो मतलब नहीं है चाहे बरेली शरीफ से मुरीद हो जाओ कछौछा शरीफ से हो जाओ बदायूं शरीफ से हो जाओ फुल कहां केरी शरीफ से हो जाओ दुनिया के किसी खानकाह से मुरीद रहो मतलब नहीं इससे हमको पीर होना चाहिए सही बोलो पीर होना चाहिए पीर होना चाहिए चाहे कहीं से मुरीद रहो मगर एक बात तो देखो एक बात तो देखो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ चाहे मदीना शरीफ चले जाओ और कह दिया जाए नबी सलाम अलैका बरेली ख्वाब में भी नहीं गए थे वहां के मुरीद भी नहीं हो कहीं और के मुरीद हो और जहां कह दिया जाए नबी सलाम अलैका तो कोई नहीं कहता बिहारी है कोई नहीं कहता यूपी वाला है कोई नहीं कहता कानपुरी है कोई नहीं कहता बदायूनी है जहां कहा जाए नबी सलाम अलैका का समझ में आ गया ये आने वाला पक्का बरेलवी आ गया है क्योंकि आला हजरत ने शरीयत की ऐसी खिदमत की है कि नबी ने अपने करम से दौरे हाजिर में सुन्नियत की पहचान आला हजरत की जात को बना दिया। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग अहमद रजा की शम्मा फरोदा है आदमी। अब सुनो 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 सुन्नी भाई सुन अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद कछौछा शरीफ कछौछा शरीफ में जलाया जाता है चले जाओ ना कोई बीमार जाते ही है कि नहीं जल जाता है जल जाता है अब बदअकीदा चला जाए तो वो भी जल जाता है खुश अकीदा हो जाता है क्या कहना मखदूम सिमना सुभान अल्लाह बोलो ना सुभान अल्लाह जिन्होंने ताज को छोड़ दिया सल्तनत को ठोकर मार दिया और फकीरी इख्तियार कर ली अल्लाह ने महबूब बना लिया। ए भाई एक वाकया सुनाने दो बैठ जाओ ए बाबू सब आदमी बैठ जाओ एक वाकया सुनाने दो। देखो जलसा में आदमी कम से कम झूठ नहीं बोलता नहीं जी ऐसे मुसलमान हो आप झूठ तो बोलते ही होंगे मगर जलसा में सच बोलोगे बोलो इंशाल्लाह बोलिए ना इंशाल्लाह। एक सवाल है आप लोगों से पूछे न पूछे इलाका से आए हुए सुन्नी भाई और हमारे दावना के सुन्नी भाई आप लोगों के यहाँ कोई जवान शराब नहीं पीता है ना ए देखा देखा फकर गई छोड़ी पीता है मैंने देखा कलकत्ता में मौलाना दो सुन्नी को या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन करीब गए तो देखा जालिम शराब पिए हुआ है। अरे बदमाश
शराब पी के या हुसैन कहता है जबान में कीड़े फल जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। आई सुन्नी यहाँ कहता है पीता है, कैसा सुन्नी है जो शराब पी के या हुसैन कहेगा, शराब पी के या अली कहेगा। एक वाकया सुना देता हूँ, खुदा करे कोई शराबी बैठा हो तो तौबा कर ले। अल्लाह का वादा है जब बंदा तौबा कर लेगा तो पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। बोलो सुना दूं कि नहीं सुना दूं? लंबी हदीस का तर्जमा बाकी है मगर एक वाकया सुन लो, जरा जी लगा कर बोल दो सुभान अल्लाह। सुनो, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक जवान था शराबी, हजरत उमर के दौर में छुप छुप के पीता था, छुप छुप के। एक रोज दिन के 12 बजे मौलाना अरब की शिद्दत की गर्मी, वो जवान कंबल ओढ़ा, शराब का बोतल बगल में दबाया, जा रहा है कि अब तो सब सो जा है रोड पे, कोई तो है नहीं। मर जैसे रोड पे गया तो देखा उधर से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। जवान कांप गया कि अब क्या होगा। हमारे नबी फरमाते मेरा उमर जिस रास्ता से गुजर जाता है शैतान मारे डर के वो रास्ता छोड़ देता है। सुनिए उलमाए किराम, जिस तरह शैतानों को हजरत उमर से डर होता था उसी तरह आजकल के नजदियों को इमाम मोहम्मद रजा से डर हो रहा है। किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे, ये रजा के नेजे की मार है जो तू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये बार बार से पार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठिए बैठिए। अब क्या किया, सुनो सुनो। शराब उमर को देखा रजी अल्लाह, तो जवान ने कंबल में हाथ उठाया, मौला मौला तेरा वादा है बंदा तौबा करता है तो सब माफ कर देता हूँ, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ मौला, आज से शराब ना पीऊंगा मौला, मगर एक शर्त है मौला, मुझको उमर की मार से बचा लेना, उमर की मार से बचा लेना। हजरत उमर करीब आए, कहे जवान गर्मी में कंबल क्यों ओढ़े हुआ है जी, कांप गया कि अब क्या होगा, हटाओ कंबल। खोला तो निकला बोतल, का बोतल में क्या है, कहा हुजूर इसमें दूध है, कहा दूध है तो छुपा कर क्यों ले जाता है, खोल बोतल। अब बोतल खोला मेरे भाई, बोतल खोला और टपकाया तो एक नंबर का दूध निकला। हजरत उमर गए सजदा, मौला दूध है तो छुपा कर कहे ले जा रहा है, गैब से आवाज आई उमर दूध नहीं इसमें शराब था, अजय जवान शराबी था, अब मेरा वादा है बंदा तौबा करता है तो सब माफ कर देता हूँ, इसने सच्चे दिल से तौबा किया तो मैंने सब माफ कर दिया है, इनके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया है, और तुम्हारे मार से बचने के लिए अल्लाह ने इसके शराब को एक नंबर का दूध बना दिया है। ए मेरे सुन्नी भाई बिगड़ क्यों रहे हो, तौबा करके मरो, तो ये कहते हुए कब्र में जाओ लहद में इसके रुखे शाखा दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुनो जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। तनवीर भाई तो कहिए कि टाइम नहीं मिला, नहीं तो मेरी तकरीर में जो गुनहगार आता है पाक होके जाता है, अब बीमार आता है तो तंदुरुस्त होके जाता है, तो अगर कहो तो लास्ट में चूंकि रहमत करीब है दुआ के मकबूलियत का खास टाइम आ गया है, एक हदीस सुना दूं कि सबकी दुआ कबूल हो जाए। बोलो ना, दुआ कबूल करानी है ना, तो एक बार झूम कर बोलोगे ना सुभान अल्लाह। सुनो तरतीब तरहीब जिल्द नंबर 4 बाबुल इस्तिगफार हदीस नंबर 274-5 قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابليس وعزتك وجلالك لا بروحك ما دامت ارباهم في الصاد فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا زال اغفر لهم استغفروني سبحان الله سبحان الله। मैं घड़ी देख रहा हूँ कि 4 बजे सफर करना है वरना आगे का मसला टेरा है, आगे जो सफर करना है तनवीर भाई क्या करें हम, हाँ हाँ नहीं नहीं बहुत दूर जाना है, तो दुआ तो कर ही रहे हैं, दुआ पर तो हदीस सुना रहा हूँ देखिए, मगर सफर भी करना है ना, लंबा सफर है, नहीं तो हम कहाँ से कहाँ से कहाँ से आ गए, अपनी गाड़ी से आ गए, वादा किया तो आ गए ना, आ गए ना, अब फिर वादा करते हैं कभी आप याद कीजिएगा, कोई जरूरी है कि बड़ा जलसा हो तभी बुलाइएगा, छोटे जलसा में भी मैं आता हूँ कि नहीं, हाँ आएंगे इंशाल्लाह ताला। देखो शैतान, एक बात बोलो आप लोग झूठ ना बोलना, शैतान को देखा आप लोगों ने,
ए बोलिए ना, देखा है? हमने भी नहीं देखा ना, मगर कुरान में शयातीन अल जिन्न वल इंस, इंसान में भी शैतान होता है। तो उस शैतान को ना देखा, कुछ टोपी दाढ़ी वाला ही शैतान है, इसको देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। तो आला हजरत इसी को तो फरमाते हैं, सूना जंगल रात अधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सुनिए सुनिए, शैतान ने कहा उधर वाला मौला तेरी इज्जत और जलाल की कसम है, जब तक ये तेरा बंदा जिंदा रहेगा हम इससे गुनाह कराते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब उलमा की बात नहीं करता हूं मैं, अपनी बात, मैं भी गुनहगार हूँ, मजमा में जितने बैठे हो सब गुनहगार हो। ए बोलो ना, गुनहगार हो ना? इतना खामोश है जैसे सब वली बैठा है। बोलो ना, गुनहगार हो ना? तो गुनाहों की माफी चाहते हो ना? तो चाहते हो तो सुनो ना हदीस। शैतान ने कहा मौला तेरी इज्जत और जलाल की कसम है, जब तक ये तेरा बंदा जिंदा रहेगा हम इससे गुनाह कराते रहेंगे। तो सुनियो, ए सुनियो, मौला का जवाब सुनो। मौला ने फरमाया शैतान व इज्जती व जलाली सुन लो, मुझको भी मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, जब तक मेरा बंदा मुझसे माफी मांगता रहेगा तो मैं भी इनके पिछले तमाम गुनाहों को माफ करता ही रहूंगा। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, सर से गिरता है अभी बारे गुना, हम जरा फर्क़े इरादत कीजिए और करीम अपने करम का सदका, लईमे बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अच्छा एक सवाल फिर अहले बैत की हदीस सुनाता हूँ, एक सवाल, आप लोग मरोगे कि नहीं बोलो? जी मरना है। कहाँ मरना है? पीछे वाला तो कुछ ना बोला, बोलो बोलो मरोगे कि नहीं? तो डरते कहाँ हैं, बोलिए ना। मरने ही से तो भाव बढ़ता है, मरने से क्या होता है, कैसे बढ़ता है? जब तक जिंदा थे हुजूर की ज़ियारत ना हुई, मर के जैसे कब्र में गए कि हुजूर की ज़ियारत हो गई। कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। एक बात और, एक बात और, मरोगे तो एक दुआ करता हूँ, जलसे में आए हो हुसैन की मोहब्बत लेकर, दुआ कबूल हो गई तो सबका बेरा सस्ते में पार, कर दूं कि नहीं करूं? तो आमीन कहिएगा आप लोग। मौला हम सुन्नी मरे तो जुमा के दिन मरे, बोलो ना आमीन। मौला भाई बहन दोनों सुन्नी मरे तो जुमा के दिन मरे, या जुमा की रात में मरे। नीचे कीजिए, क्यों मैंने ऐसी दुआ की? हदीस शरीफ में है अल-फताह वर-रज़विया में कि जो सुन्नी जुमा को मरेगा, चाहे बेनमाजी हो कि नमाजी, गुनहगार हो कि हाजी, मगर कोई अदा अल्लाह को पसंद आई, मर गया जुमा को, तो हदीस में है जो सुन्नी जुमा को मरेगा कयामत तक उसके कब्र में ना अजाब होगा ना सवाल होगा। सुभान अल्लाह। बोलो सस्ते छूटेगे नहीं छूटे? अभी कलकत्ता में भाई तकरीर कर रहा था मैं, तो एक सुन्नी ने कहा हुजूर सुन्नी मर गया तो कयामत तक की छुट्टी है। मैंने कहा जी हाँ। कहा उधर वाला मर गया तब का होगा? मैं कहा यार तुम लोग भी एक से एक सवाल लिखे बैठता है, उधर वाला मर गया तो क्या होगा? एक साल के बाद जवाब देने आऊंगा। हाँ टाइम नहीं ना, सबका जवाब आज होगा, आज ही होगा, बोलो ना। उधर वाला, उधर वाला समझ गए, समझ गए? तो एक बार बोलिए ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उधर वाला मर गया तो क्या होगा, तो सुना देना क्या होगा। सुनो हदीस शरीफ में सुन्नी मर गया कयामत तक की छुट्टी है, अब उधर वाला मर गया जुमा को भैया, तो जब तक जुमा का दिन बाकी है, मगरिब की अजान न होगी जब तक उसके कब्र में सवाल न होगा, और उधर मगरिब की नमाज खत्म होगी, इधर कब्र में धुलाई शुरू होगी। हाँ हदीस है, मैं नहीं कहता हूँ, अजाब भी शुरू होगा, धुलाई भी शुरू होगी। और सुन्नी अब बोलो, झूम कर बोलो, मरोगे कि नहीं मरोगे? तो कब्र में बीवी जाएगी, जाएगी माँ, जाएगी ये मौलवी जाएगा, तो पीर साहब जाएंगे, तो कोई नहीं जाएगा। तो ऐ सुन्नी मरने से पहले तौबा करके क्यों नहीं मरते हो? ताकि मरने वक्त बीवी रोए तो रोने देना, पीर का हाय हाय नजराना कौन देगा, हाय हाय करते रहे, मगर तुम मुस्कुराते हुए आला हजरत का वो शेर गुनगुनाते हुए कब्र में चला जाना कि लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। बोलिए मोहब्बत से, बोलिए सुभान अल्लाह।
कब तौबा करोगे, कब तौबा करोगे? सुन्नियों तौबा करो, सुनो सुनो, बच्चों में हसन हुसैन से, बेटियों में फातिमा से, मर्दों में प्यार है नबी को अली से। एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई अहले बैत पर, सुना दें, बहुत प्यारी है, सुनिएगा। यह हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 14 सफा सफा 525 सफा 526 सफा 526 का 25 का 70 25 26 70 और सफा 526 का 70 1 2 3 4। सरकार अली की शादी हो गई फातिमा से। किससे शादी हुई? फातिमा से। बोलो ना किससे हुई, कैसे शादी हुई? एक जोड़ा अली ने दिया, वो भी जरा बेच के, लड़ाई का हथियार बेच के। एक जोड़ा नबी ने दिया। नबी ने कहां से लाया जोड़ा? अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि जन्नत में जाओ और जन्नती जोड़ा लेकर फातिमा को दे दो। दो जोड़ा मिला, कई जोड़ा मिला, कई जोड़ा, बोलो ना। आज आपके यहाँ बोलते संधि रिवाज है, क्या रिवाज है? लड़का को हमारे यहाँ 11 जोड़ा दिया जाता है और लड़की को 22 जोड़ा दिया जाता है। हायरे सुन्नी रिवाज के पीछे बर्बाद हो गए, रिवाज के पीछे बर्बाद हो गए। क्यों ऐसा रिवाज बनाते हो? शादी करो तो सुन्नत रसूल की रोशनी में शादी। मैं बिहारी हूँ, ये भी बिहार है, हजारों पढ़ी लिखी बच्चियां घर में इसलिए बैठी है कि ये लालची नौजवान पैदा हो गया है। बोले हमारा बेटा मास्टर है, सरकारी सर्विस है, चार चक्का न दीजिएगा समझी तो रिश्ता कैसे होगा? हम तो कहते हैं उसी चार चक्का से इस लड़के का निकाह कर दोगे, कबूल किया? बेशरम नौजवान, गैरत मर चुकी है तुम्हारी। लड़की को जनाजा निकालते हो, चक्का मानते हो। मैंने तकरीर की थी बंगाल में कि दुआ से तकदीर बदल जाती है और रात में 3 बजे जल्दी कबूल होती है दुआ। तो एक बंगाली दुआ कर रहा था, मौला मौला अभी मौलाना की तकरीर सुनी, रात के आखिरी में दुआ कबूल होती है, शादी नहीं हुई है मौला, ऐसे मालदार घर में रिश्ता लगा देना कि नहीं, चार चक्का तो 2 चक्का जरूर मिलना चाहिए। अरे हाय सुन्नी, बिगड़ते क्यों जा रहे हो? चक्का मांग रहे हो? न चक्का मांगो, न जहेज मांगो, न जूता मांगो, मांगो तो ये मांगो, हमारी दुल्हन वो बनेगी जो फातिमा की वादी होगी, हमारी दुल्हन वो बनेगी जो नबी की कनीज होगी। बात दुल्हन की है, सुन्नी एक बात बता देता हूँ, जरा सारा मजमा बेटियों के नाम बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया आला हजरत ने लिखा है, तनवीर भाई जवान, आला हजरत ने लिखा है, पहली रात पहली रात दुल्हन को ब्याह करके घर ले जाओ तो घर की औरतों को कहो दुल्हन के दोनों पैरों को धो, और धोने के बाद तगार में गगन में धो, अब पैर का जो उतरन है फेंको नहीं। दूल्हा मियां के जितने घर हैं, हर घर में दुल्हन के उतरन का, पांव का उतरन घरों में छींटे दे दो, क्योंकि दुल्हन पहली रात दूल्हा के घर जाती है तो अपने कदमों में रहमत का दरिया लेकर के आती है। तो ऐसी दुल्हन नहीं मांगते हो, चक्का चाहिए। ऐसी सुन्नी कितना बिगड़ता जा रहा है, मांगो खूब मांगो, मगर लड़की वालों से क्यों मांगते हो? सुनियो, मांगना है तो अजमेर वाले से क्यों नहीं मांग लेते हो? अरे बगदाद वाले से क्यों नहीं मांग लेते हो? मदीना वाले से क्यों नहीं मांग लेते हो? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुनो सुनो, शादी के बाद अभी ना हसन पैदा हुए है ना हुसैन। ओहो, हजरत अली मजदूरी करते थे भैया, हजरत अली मजदूरी करते, मजदूरी समझ गए, मदीना शरीफ में यहूदियों के बागीचा में पानी डालते थे। एक रोज का बीबी फातिमा, ए बीबी फातिमा, डोल उठाते उठाते खींचते खींचते कुआं से पानी, अली के सीने में बीबी दर्द हो रहा है, या अल्लाह। तो फातिमा ने कहा मेरे शोहर सबर कर लो, देखो मैं नबी की शहजादी जन्नती औरतों की सरदार हूँ, आपके सीने में दर्द हो रहा है तो चक्की चलाते चलाते मेरे हाथ में भी तो छाले पड़ गए हैं। बताओ नबी की बेटी है और खलीफा चाहारू है, वलियों के सरदार है, सीने में दर्द हो रहा है, हाथ में छाले पड़ गए हैं, तो दोनों ने कहा ऐसा करो ना, नबी से एक बांदी या खादी मांग। बुखारी शरीफ है। तो हजरत फातिमा गई, उस वक्त नबी घर पे नहीं थे, हजरत आयशा थी, अरीजा पेश करके चली गई। सरकार आए, हजरत आयशा ने कहा आपकी बेटी बांदी मांगने आई थी,
सरकार बैठे भी नहीं चले गए अली के घर। काला दुल्लुकुमा अला खैर निम्मा सल्तमानी। ए अली, ए फातिमा, तुम मेरे यहाँ बादी मांगने गए थे? हाँ मेरे आका। तो नबी फरमाते हैं बादी से बेहतर चीज न दे दूं, बादी से बेहतर चीज न दे दूं। कुलना बला या रसूल अल्लाह, दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल, जो बेहतर हो वही अता कीजिए और जो आप समझे वही अता कर दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया था अतैतुकुमा इला मदाजिकुमा। ए अली, ए फातिमा, जब तुम दोनों बिस्तर पे जाना ना सोने के लिए जाना ना, तो तकब्बरा अरबाउन व सलासीन, तो सोने से पहले बेटी बांदी लेके क्या करेगी, खादिम लेके क्या करेगा? ए बेटी सुन, सोने जाना बुखारी शरीफ में तो 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लेना, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, उसके बाद दोनों के दोनों सो जाना। सुभान अल्लाह। सुनियो ए अहले बैत का जलसा करने वालों, आप कई बार अल्लाह अकबर पढ़ के सोते हो? एक बार भी नहीं, झूठ नहीं बोलना। टीवी देखते तो सो जाते हो, सुभान अल्लाह पढ़ के नहीं सोते हो ताकि तस्बीह फातिमी पे अमल हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के नहीं सोते हो ताकि अली के कौल और नबी के फरमान पे अमल हो जाए। आज से ये वादा करके उठो कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम फातिमा से मोहब्बत करते हैं, हम भी सोएंगे तो चंद बार अल्लाह अकबर पढ़ते हुए सो जाएंगे ताकि सोते भी रहेंगे और घरों में रहमतों का नुज़ूल भी होता है। नबी ने फरमाया सुनो, एक बार फातिमा के दरवाजे पर एक साइल आ गया, साइल मांगने वाला। कहे नबी के घर वालों, नबी के घर वालों, कोई फटा पुराना कपड़ा है तो दे दो ना। नबी की बेटी के बाद दो जोड़ा था उस वक्त, एक पहने थी और उसके बाद दो जोड़ा, एक जोड़ा पुराना था, एक जोड़ा जन्नत वाला जो शादी के बाद नबी ने दिया था। फातिमा पुराना जोड़ा उठा के देना चाहती तो गैब से आवाज आई, लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। फातिमा क्या कर रही हो? अल्लाह की राह में अच्छी चीज दी जाती है। फातिमा समझ गई, पुराना जोड़ा रख देती है और वो जन्नती जोड़ा जो बाप ने दिया था शादी के वक्त, सरकार फातिमा ने जन्नती जोड़ा साहिल को उठा के दे दिया। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं सैयदा साहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, और जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने उस रिदाए मुझा पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चार, ए भाई 3:50 हो गए हैं, हां मुझे सफर भी करना है। मैं नहीं, अरे सफर करना है, दूसरे का जलसा ना खराब होगा भैया, और से क्या मतलब है? मैं तो नहीं, मुझे बाहर जाना है, जरा गौर कीजिए आप। मैं 1.25 घंटा बोल चुका हूँ, बल्कि ऊपर, ऐसा नहीं कि तकरीर नहीं किया हूँ, 1.25 घंटा से ऊपर बोल दिया हूँ। सलाम होगा, दुआ होगी, तो 4 तो बज ही जाएगा भैया। अब मुझे बाहर जाना है, बहुत दूर जाना है, यहाँ से गाड़ी से कम 400 किलोमीटर अपनी गाड़ी से, अब फिर घर जा करके ATG बदलना है और फिर बाहर का सफर करना है। अब समझो तनवीर भाई, जन्नती है। अरे सुनो एक बात, आप सुनो, ए भाई बस सुन लीजिए भैया, एक हदीस सुन लो मेरे भाई, एक हदीस सुन लो, ठीक है? सुना दे कि छोड़ दे? तो आप सुभान अल्लाह कहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, सुना देता है मौलाना, आप लोगों के इलाके में गधे हैं? गधे नहीं है, गधा देखा है? गधा के क्या पैर होता है? बिल्कुल ठीक देखा, मगर दिल्ली में कुछ गधे ऐसे हैं जिसके 2 पैर है। मैं भी लाई की बारगाह से पहले 2 पैर वाला था। बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। हदीस में है कि गधा बोले तो बोलना ला हौला वला कुव्वत, अब मुर्गा बोले तो बोलना सुभान अल्लाह, क्योंकि गधा भला देख के बोलता है, मुर्गा खुदा की रजा देख के बोलता है। एक मुर्गा भैया रात में 2 बजे बोल रहा था, हदीस में मुर्गा सुबह में बोले तो सोना नहीं उठना, क्योंकि मुर्गा नमाज पढ़ने के लिए जगाता है, हदीस में। कितना अच्छा मुर्गा है। मगर एक मुर्गा रात में 2 बजे बोल रहा था, मैंने कहा ये कौन सा टाइम हुआ नमाज का जी? तो हम गए देखने कि कौन सा मुर्गा है, देखा ओ ये देसी नहीं, असली नहीं, फेंट फाट वाला, फार्म वाला बोल रहा है। ये डुप्लीकेट मुसलमान तो कभी भी नमाज की दावत देता है, उसको पते नहीं कि नमाज कब पढ़ी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है। एक बार नबी के नाम बोल दो सुभान अल्लाह। सुनो मिश्कात शरीफ जिल्द सानी सफा 571 सफा 573 हदीस बड़ी प्यारी हदीस है, उम्मुल फजल
بنت الحارث قالت يا رسول الله اني رايته المنكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قالت انه شديد ام الفضل نے خواب دیکھا خواب گئے نبی کے پاس حضور کی چچی حضور میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کہا کیا دیکھا کہا حضور بہت ڈراؤنا ہے کہا بتاؤ نا چچی کیا خواب ہے کہا میں نے دیکھا آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور رات میں میرے گود میں رکھ دیا گیا ہے سرکار نے فرمایا تو بہت بہتر سپنا خواب ہے کہا چچی گوشت کاٹا گیا آپ کے گود میں رکھ دیا گیا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا ہوگا جو تیرے گود میں کھیلے گا سبحان اللہ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حسن پیدا ہو چکے تھے امام حسین پیدا ہوئے جو ام الفضل کے گود میں کھیل رہا تھا نانا جان آ گئے حضور کے گود میں رکھ دیا فرشتہ آیا حضور بڑا پیار کرتے ہیں حسین سے آپ کا غلام اس کے گردن پہ تلوار چلا دے گی آپ کا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا کہیے تو وہاں کی مٹی لا کے دیتا ہوں مٹی لا کر کربلا کی دی گئی نبی فرماتے ری ہو کربلا اس سے تو بے چینی کی بو آ رہی ہے دست بلا کو عرصے کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا یزیدی سمجھ رہے تھے ہماری جیت ہو گئی ہے مگر کربلا کا سرہ سرہ کہہ رہا تھا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آپ کو معلوم ہے ایک سے ایک بچہ قربان ہو گیا اب تنہا حسین باقی ہے ان کا بیٹا 20 سالہ بیمار عابد بیمار زین العابدین باقی جب امام حسین نے جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا ہے تو ان کا بیٹا بیمار نیزہ لے کر کھڑا ہو گیا قدم ڈگمگا رہے بھوک سے پیاس سے کہا با بیٹا کے رہتے ہوئے آپ شہید ہو جاؤ حسین نے کہا بیٹا جذبات کی آنکھوں جذبات کے آنسو آنکھوں میں پلکوں پہ نمودار ہو گئے کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں گا جنگ میں جانے کی کیونکہ اس مستورات کا محرم تیرے سوا کوئی نہیں ہے اس غریب الوطن مسافروں کو وطن تک کون پہنچائے گا زین العابدین تم ہی بچاؤ کہ میں اپنے جد و پدر کی امانتیں کس کو دوں گا اگر تم بھی شہید ہو گئے تو زین العابدین یہ بتا دو باپ کو کہ حسینی سجدوں کا قافلہ آپ کس سے چلے گا اس لیے میں تم کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے خلافت دی اجازت دی اور جو تبرکات سے نوازا کہا بیٹا تم بستر پہ سو جاؤ امام حسین نے مصری قبا زیب تن فرمائی اپنے نانا کا ماما سر پہ باندھا چچا امیر حمزہ والا پٹکا کمن میں باندھا اب باپ والی تلوار علی کی ذوالفقار گردے میں لٹکائی اب میدان کارزار میں روانہ ہوئے اللہ اکبر اے بھائیو صرف نعرہ لگانے سے نہیں کام چلتا ہے ایک ایک بچہ کربلا میں شہید ہوا ہے وقت اتنا نہیں کہ پوری داستان سناؤں داستان سننے کے لیے ٹائم چاہیے اتنا تو ہے کہ جب علی اکبر کی لاش کو رکھا ہے امام حسین نے تو ان کی بہن زینب شیر خوار بچہ علی اصغر کو لے کر کے آئی کہا بھیا حسین بھائیوں نے بھتیجوں نے بھانجوں نے بھوک پیاس کی شدت سے جام شہادت نوش فرما لیا اب علی اصغر کا پیاس سے تڑپنا نہیں دیکھا جاتا ہے 3 دن کی بھوک کی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خوش ہو چکا ہے وہ گلاب وہ گلابی ہونٹ جس پہ گلاب کی پنکھڑیاں قربان ہوتی تھی آج پیاس کی شدت سے کالے پڑ چکے ہیں بھیا حسین میری خواہش ہے علی اصغر کو لیجئے دشمنوں کے سامنے جائیے ہو سکتا ہے بچے کی پیاس پہ ترس آ جائے چند قطرے پانی علی اصغر کو دے دے عمر 6 مہینے کی بھیا حضرت حسین گئے کہا یزیدیو میں نے تمہارے بے رحمی جو روجفا کے ایک ایک شہزادے کو قربان کر دیا اب یہ میرا چھوٹا سا بیٹا کسی کے سامنے آج تک ہاتھ نہیں پھیلایا ہے آج ننے ننے ہاتھوں کو پھیلا کر تم سے پانی مانگ رہا ہے چند قطرے پانی دے دو گے علی اصغر کو تمہیں وعدہ کرتا ہوں نانا جان کے ہاتھوں سے میں تمہیں کوثر کا جام پلا دوں گا ابھی دل ہلا دینے والی تقریر جاری تھی کہ ظالم ہرملہ بن کاہل نے ایسا تیر چلایا کہ حضرت علی اصغر کے حلق کو چھیتے ہوئے حسین کے بازو میں لگا اور حسین نے جب تیر نکالا ہے خون کے فوارے بہے چھوٹا سا بچہ شہید ہو گیا باپ نے بیٹے کی لاش کو گردن سے لگائی چادر ڈالی خیمہ کی طرف روانہ ہوئے زینب دروازے پہ کھڑی کر رہی سکینہ
सकीना लगता है कि पानी दे दिया यजीदियों ने, क्योंकि बेटा जा रहा था तो बाप के गोद में तरपता जा रहा था, उधर से आ रहा है तो बाप की गोद में सोता आ रहा है। इमाम हुसैन गए का बहन ले सबर कर, अल्लाह ने छोटे बच्चे की भी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। इन्ना लिल्लाह है वो इन्ना इलैहि राजिऊन। दस्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर सर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाएं नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।